हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यामैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी में एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक है हमारा रिंग एंड सबरिंग। और इससे पहले जो भी ग्रुप थ्योरी की वीडियोज हैं उसे आप आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के अब तक के जो भी वीडियोज हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, वो सब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इस रिंग का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप इससे पहले जो है कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, अगर आप इन सब का मतलब समझ होंगे तो। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ओके, इन सब का क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, जो रिंग की जो डिफिनेशन है वो हमने यहाँ पर लिख रखा है और ये कुछ इस तरीके से है। लेट आर बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये जो मैंने डॉट है लिखा हुआ है ये मल्टीप्लीकेशन है, ओके। सो एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बी टू बाइनरी ऑपरेशन इन आर, देन आर प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि ये जो मैंने एलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख रखा है वो इज सेट टू बी रिंग इफ फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू आर, के लिए क्या हो कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, आर मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। मतलब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ इसका मतलब कि यदि R एक नॉन एम्प्टी सेट है और दो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन और ये मल्टीप्लीकेशन का डॉट का, ओके, तो हो क्या कि यदि ये R इस ऑपरेशन पर क्या हो कि अबेलियन ग्रुप हो, ओके, अबेलियन ग्रुप हो, और R जो है कि इस ऑपरेशन पर क्या हो कि सेमी ग्रुप हो, ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा हो, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड कर रहा हो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब कि जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, उन सबको अगर होल्ड कर रहा हो तो ये जो एलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा आर प्लस और ये जो मल्टीप्लीकेशन का है, यानी ये जो है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इसी को हम कहते हैं रिंग, ओके। तो यहाँ पर देखिए अबेलियन ग्रुप और सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में इन चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हम बहुत ही अच्छे अच्छे जो है कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए आर जो है कि इस ऑपरेशन पर अबेलियन ग्रुप बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो है कि इस ऑपरेशन पर क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ, इन पाँच लॉ को सेटिस्फाई कर रहा, इसका मतलब ये हुआ, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्लोजर लॉ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ना, क्लोजर लॉ का क्या मतलब हुआ, क्लोजर लॉ, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग टू आर, के लिए क्या होगा कि ए प्लस बी जो होगा, ऑपरेशन एडिशन का है तो ए प्लस बी जो होगा वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के, यानी ए प्लस बी को हमने ऐड किया तब उसके बाद सी को हमने ऐड किया तो जो वैल्यू आए वो क्या हो कि बी प्लस सी को ऐड किया और तब ए को हमने ऐड किया तो जो वैल्यू आए दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ओके। इसके बाद आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब जैसा कि आपको पता है कि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो सेट की आइडेंटिटी होती है वो जीरो होती है, ओके, तो जीरो क्या होगी, सेट की आइडेंटिटी होगी, राइट, यानी कि अगर हम ए प्लस जीरो करें, राइट, या फिर हम जीरो प्लस ए करें, जीरो को लेफ्ट से ऑपरेट करें या जीरो को राइट से ऑपरेट करें तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर के लिए, राइट, बिकॉज यहाँ पर ये जीरो क्या है, जीरो क्या है कि ये आइडेंटिटी है, ओके, अच्छा। इसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आता है, ओके, देखिए मैं इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कि ग्रुप थ्री के जो है कि चौथे या पांचवें वीडियो में, नहीं चौथे नहीं बल्कि दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अबेलियन ग्रुप पर, ओके। अगर आप वो वीडियो देखते हैं ना तो ये चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं ये सब चीज़ें कह रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर एवरी
ए बिलोंग्स टू आर के लिए क्या हो कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू आर, इस तरह से होगा कि ए प्लस माइनस ए अगर हम करें या माइनस ए प्लस ए हम करें तो हमें जीरो मिलेगा, यानी सेट की आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, और पांचवा होता है हमारा कॉमुटेटिव लॉ। अब देखिए कॉमुटेटिव लॉ का क्या मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो अबेलियन ग्रुप है ना इसको हम लोग कॉमुटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ओके, तो कॉमुटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी बराबर ये हमेशा क्या होगा बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए क्या होगा बराबर होगा फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग टू आर के लिए। तो है क्या कि अगर इस आर जो है कि इस ऑपरेशन पर इतनी बातों को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि आर क्या है कि एक अबेलियन ग्रुप है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सेमी ग्रुप पर। तो सेमी ग्रुप में क्या होगा कि जो है कि केवल दो, ये जो आर है जो है इस ऑपरेशन पर जो है कि केवल दो ही लॉ को सेटिस्फाई करेगा, पहला जो है कि क्लोजर लॉ और दूसरा जो है एसोसिएटिव लॉ, केवल यही दो लॉ को सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पर क्या होगा कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा ये केवल, राइट, यानी आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा ए प्लस बी बिलोंग टू आर के लिए जो होगा ए डॉट बी बिलोंग टू आर होगा, राइट, और यहाँ पर दूसरा क्या होगा एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, बस ये होता है सेमी ग्रुप में। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए डॉट बी डॉट सी जो होगा वो इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी के। ओके, ये डॉट बोलिए या मल्टीप्लीकेशन बोलिए एक ही बात हुआ यहाँ पे। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगा इस सेमी ग्रुप में। ओके, तो हो गया अबेलियन ग्रुप हो गया और सेमी ग्रुप हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इसमें दो तरीके के होंगे, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी बिलोंग टू आर, हमने आर लिया मतलब आर से लिया, तो होगा क्या कि ए को हमने यहाँ पर लेफ्ट से ऑपरेट कराया तो ये जो वैल्यू आ रही है ना वो क्या हो कि ए डॉट बी प्लस बी डॉट सॉरी ए डॉट सी के इक्वल होना चाहिए, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू दोनों आपस में क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब देखिए इसमें जो होता है एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो इसमें क्या होगा कि मैं राइट से ऑपरेट करा रहा हूँ, राइट यानी ए प्लस बी को, ए प्लस बी हो गया सी को मैं राइट से ऑपरेट करा रहा हूँ, तो ये हो गया ए डॉट सी प्लस ए डॉट सॉरी बी डॉट सी। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो अगर अगर जरा ध्यान दीजिए, अगर R प्लस और ये डॉट, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इतने लॉ को सेटिस्फाई करता है, कौन कौन सा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा। ओके, यानी अबेलियन में इतनी बातों को सेटिस्फाई कर रहा, सेमी ग्रुप में इतनी बातों को सेटिस्फाई कर रहा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में इतनी बातों को सेटिस्फाई कर रहा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वन मिनट, ओके सॉरी, ओके इतनी बातों को सेटिस्फाई कर रहा, तो हम कहते हैं कि ये क्या है कि ये एक रिंग है। ओके, ये क्या है कि ये एक रिंग है। चलिए अब मैं जो है कि बहुत ही अच्छा अच्छा मैं कुछ एग्जाम्पल्स पर डिस्कस कर लेता हूँ, राइट, मैं जो है कि अब इसको क्लीन कर रहा हूँ। चलिए अगर आपको कहीं से कोई डाउट आता है तो वो चीज़ आप हमसे जो है कि कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूँगा। और हाँ, आपसे ये रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से कि जो है कि वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। ओके, और अपने फ्रेंड के पास ज़रूर शेयर करिए, जो नए स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं उसे आप जो है कि सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअस मिलती रहे। ओके, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो है कि पूरी वीडियोज मिलेंगी। ओके, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, हर एक चैप्टर्स की मैं प्रयास करूंगा अपलोड करने के लिए। ओके, चलिए मैं जो है कि कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ, राइट, मैं जो है कि मैं देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए है क्या कि जैसे मान लीजिए पहले मैं नेचुरल नंबर पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये नेचुरल नंबर का सेट हो गया हमारा और दो ऑपरेशन हमने ले लिया प्लस और ये कुछ इस तरीके का, तो क्या ये जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा ये रिंग होगा, तो रिंग के लिए क्या होना चाहिए, इतनी ये तीन बातों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें, पहली बात एन प्लस, कुछ ऐसी मैं बात करूँ, तो क्या ये अबेलियन ग्रुप होगा, तो अबेलियन ग्रुप में पाँच बातों को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो पहला अगर हम बात करें क्लोजर लॉ की,
तो क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई होगा। ओके, एसोसिएटिव लॉ की अगर हम बात करें तो वह भी सेटिस्फाई होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं बिलोंग करता है। ओके, तो जब जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता ही नहीं है तो इसका मतलब आइडेंटिटी इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो सेट की आइडेंटिटी होती है, तो जीरो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये जो है कि पहली बात तो ये ग्रुप ही नहीं बना रहा है, राइट? ग्रुप बनाने का मतलब समझ रहे हैं? ग्रुप बनाने का मतलब क्या हुआ कि केवल जैसे अबेलियन ग्रुप के लिए पाँच बातें होती है ना, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ, ये पांच बातें होती हैं। तो केवल चार बातें यानी लास्ट वाला कम्यूटेटिव को छोड़ करके क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यदि कोई सेट जो है कि किसी ऑपरेशन पर इन चार बातों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ग्रुप कहलाता है। ओके, तो ये ग्रुप ही नहीं है, तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा, राइट? तो यानी ये हमारा जो है कि अबेलियन ग्रुप ही नहीं, जब यही सेटिस्फाई नहीं हुआ तो रिंग बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ें और सेमी ग्रुप को चेक करना चाहते हैं तो क्या सेमी ग्रुप होगा? तो देख सकते हैं, सेमी ग्रुप की अगर हम बात करें तो एन जो है कि इस ऑपरेशन पर क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या है हमारा सेमी ग्रुप, तो है सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप भी है और जो है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे होल्ड होगी, राइट? क्योंकि अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, 2, 3, 5 आपने नेचुरल नंबर से ले लिया, तो 2 + 5 को अगर आप राइट, मतलब कि हमने ऐसे किया, लेफ्ट से मैं ऑपरेट करा रहा हूँ, तो 3.3×2 + 3×5, तो आप देखेंगे 2, 5, 7, 7, 3×21, और इस तरह से भी करेंगे 21, तब पर भी आएगा 3×2 = 6, 5×3 = 15, 15×6 = 21, तब पर भी वही बातें आएंगी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना, ये हमारा रिंग नहीं है। ओके, तो ये हमारा रिंग नहीं है। ओके, इज नॉट अ रिंग। ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। जैसे कि अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, ओके, मैंने ये ले लिया, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हो, तो क्या ये ग्रुप, क्या ये रिंग है? तो देखिए, जेड प्लस जो होता है ना, ये ग्रुप, क्या ये अबेलियन ग्रुप होता है? ये क्या होता है? ये अबेलियन ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव लॉ को करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी इसके अंदर, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो होती है आइडेंटिटी, और जेड के अंदर जीरो क्या होगा? बिलोंग करेगा, क्योंकि ये इंटीजर है। ओके, और इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, जैसे 1 का इनवर्स -1 होगा, 2 का इनवर्स -2 होगा, तभी तो ये हमें जीरो मिलेगा। ओके, 3 का इनवर्स -3 होगा या -3 का इनवर्स +3 होगा, राइट? तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये अबेलियन ग्रुप है। ओके, दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, राइट? अच्छा, इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो जेड डॉट ये जो है, ये जब ये क्या होगा कि ये भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सेमी ग्रुप होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा, राइट? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। आप चेक कर लीजिएगा, जेड से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 लिया, -5 लिया और 3 लिया, तो अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, ये हम जेड से ले रहे हैं, तो अगर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, तो 2 में -5 + 3 अगर हमने किया तो क्या होगा? 2 - 5 + 2×3, सो दिस इज -10 + 6 - 4, और इस तरीके से अगर आप सेट सॉल्व करेंगे ना, -2 - 2 - 4, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। इस तरह से आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्या होगा कि ये एक रिंग होगा, राइट? ये एक रिंग होगा। ओके, ये एक रिंग होगा, राइट? अच्छा, यहाँ पे जो है कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जो है कि इंटीजर मॉडुलो एन का मैं ले लेता हूँ। जेड एन डॉ ऑपरेशन हमने लिया 2, ओके, और ये जो इनटू का है, डॉट का है। ओके, तो देखिए, आपको पता है ना, जैसे कि अब एडिशन मॉडुलो एन का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन का क्या मतलब होता है, मैंने जेड एन लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है, तो इन सब का मैं मतलब पूरा आपको समझा चुका हूँ। आप एक काम करिएगा कि ग्रुप थ्योरी की जो है कि 3 या 4 वीडियो जो शुरू की हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो बहुत बातें जो है कि आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर जेड एन, जैसे मान लीजिए जेड फोर में ले लेता हूँ, जेड फोर का मतलब क्या हुआ? 0, 1, 2, 3, ये 3 ही 4 एलिमेंट कुछ इस तरह से होंगे इसके अंदर, और यहाँ पे ऑपरेशन अगर हम एडिशन लेते हैं तो एडिशन मॉडुलो 4 हो गया यहाँ पे,
तो ये क्या होगा कि ये एक ग्रुप बनाएगा, ये एक ग्रुप बनाएगा, सॉरी ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ ना कि जेड फोर जो होगा इस ऑपरेशन पर अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ओके, अबेलियन ग्रुप आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, क्योंकि क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाई, क्योंकि क्लोजर लॉ के लिए मतलब जैसे मान ली दो एलिमेंट ले लिया हमने टू और हमने थ्री लिया जेड फोर से, तो होगा क्या कि टू प्लस टू एडिशन मॉडुलो फोर थ्री, तो कितना आएगा दो तीन पाँच, पाँच बटा चार, अब क्या आएगा वन, वन बिलोंग करेगा जेड फोर से, आप देख सकते हैं। तो ये ग्रुप बनाएगा, क्लोजर लॉ एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स क्या होगा थ्री का इनवर्स क्या होगा तो वन होगा, क्योंकि आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है जीरो है। ओके, तो थ्री का इनवर्स की अगर मैं बात करूँ, थ्री के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे जीरो मिल जाए, तो वन, क्योंकि आप एडिशन मॉडुलो फोर हो गया, तो थ्री और फोर, फोर बटा फोर करेंगे तो रिमाइंडर जीरो, क्योंकि रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। ओके, डिवाइड करेंगे तो जो है वो रिमाइंडर बताता है, यहाँ पर ये जो वन आया है ये रिमाइंडर बताता है। ओके, तो ये ग्रुप बनाएगा, मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होगा कि ये ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, राइट। यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब ये था ना कि जेड एन प्लस जो है कि ये अबेलियन ग्रुप होगा। ओके, अबेलियन ग्रुप होगा और जेड एन जो डॉट होगा ये सेमी ग्रुप भी होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, सेमी ग्रुप होगा, राइट। और है क्या कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, आप चेक कर लीजिएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है मेरे पास कि जो है कि ये रिंग है। ओके, ये एक रिंग है। अच्छा अच्छा एक चीज़ और, मैं मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ, मैट्रिक्स सेट की मैं बात कर लेता हूँ। ओके, मैं इसको जो है क्लीन कर लेता हूँ। ओके, मैं मैट्रिक्स सेट की मैं बात कर लेता हूँ। ओके, मैट्रिक्स सेट की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने एक मैट्रिक्स लिया जो एन क्रॉस एन का है और इसके अंदर इंटीजर है। ओके, और यहाँ पे हमने ऑपरेशन लिया एडिशन का और ये ऑपरेशन लिया मैंने डॉट का। ओके, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आई लिख रखा है, मतलब कि जो एन क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स का जो सेट है उसके अंदर इंटीजर है, उसके अंदर क्या है इंटीजर है केवल, आप रियल नंबर भी ले सकते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सॉरी मैट्रिक्स जो होगा इस एडिशन के रिस्पेक्ट में जो है कि ये क्या होता है कि अबेलियन ग्रुप होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है अबेलियन, क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है, अबेलियन ग्रुप होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि भाई दो मैट्रिक्स अगर आप लेंगे, यहाँ से दो मैट्रिक्स लेंगे और इस ऑपरेशन पर इसे ए प्लस बी अगर आप करेंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, जो भी आएगा बिलोंग करेगा वो इसी सेट में ही बिलोंग करेगा। ओके, तो ये अबेल क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट, कॉम्यूटेटिव लॉ को। लेकिन अच्छा एक चीज़ और मैं बात कर लेता हूँ, इस ऑपरेशन पर अगर आप देखें, एम जो है एन क्रॉस एन का अगर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर इंटीजर है, तो इस ऑपरेशन पर, इस डॉट ऑपरेशन पर क्या होगा कि ये सेमी ग्रुप होगा, ये जो है कि सेमी ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। दो मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा और जो भी होगा ना वो एन क्रॉस एन वाला ही होगा। ओके, तो क्लोजर लॉ को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। ए डॉट बी डॉट सी जो होगा, ए डॉट बी डॉट सी के इक्वल होगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है, इस बात को ध्यान रखिए, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। लेकिन हाँ, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, किसका कॉल आ रहा है भाई, चलिए जो भी हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो जो है कि कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता, यानी कि ए डॉट बी ये कभी भी जो है कि बी डॉट ए के इक्वल नहीं होता है, राइट, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसा नहीं होता है। तो आई होप कि इतनी बातें जो है कि वो आपको क्लियर हो गई होंगी ग्रुप थ्योरी से, सॉरी ये रिंग से रिलेटेड, और जो भी इसमें बची खुची बातें हैं और भी जो छोटे छोटे थ्योरम्स वगैरह हैं, छोटी छोटी बातें और भी हैं, टाइप्स ऑफ जो है कि रिंग्स भी है।